नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अमनदीप सिंह चीमा। बहुत बहुत स्वागत करता हूं कोहिनूर आयुर्वेदा चैनल और मेरे पेज पर। दोस्तों आज आपको ऐसी बूटी के बारे में बता रहा हूं जिसको लोग हाथ लगाने से भी डरते हैं, लेकिन उस परम पिता परमेश्वर ने इसमें इतने गुण भर दिए हैं कि ये मनुष्य के लिए बहुत ही अमृत के गुण रखती है ये जड़ी बूटी। दोस्तों इसका नाम है ऊंट कटारा। इसका नाम इसलिए ये पड़ा है क्योंकि जो ऊंट है इसको बड़े चाव से खाते हैं। ये जो बूटी है मैं आपको पंजाब में दिखा रहा हूँ, पठानकोट के पास ज़िला होशियारपुर में। ये बूटी हिमालय, उत्तर प्रदेश और भारत के कुछ राज्यों में बहुतात में पाई जाती है। इसके गुणों के बारे में आपको एक एक करके मैं बताऊंगा, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट देती है। ये बूटी दोस्तों खून को साफ करती है, चमड़ी रोगों में अच्छा काम करती है, ताकत के लिए बहुत अच्छी है, दमा के लिए बहुत अच्छा काम करती है। इसके बीज भी काम आते हैं, पंचांग भी काम आता है, इसकी जड़ भी काम आती है। इस बूटी को सेवन करने से मर्दाना ताकत बहुत ही ज़बरदस्त हासिल होती है, नमर्दी का ये नाश करती है। इसकी बूटी के कई जड़ी बूटियों के साथ मिला के खाने से बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। ये बूटी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, काफ़ी मात्रा में है। इसके बड़े बड़े बूटे भी हैं और इसके छोटे छोटे बूटे भी हैं, इसके छोटे छोटे पौधे भी हैं, ये आप देख सकते हैं। आप देख लीजिए, कई विद्वान लोग इसको गोरखमुंडी और कई इसको सत्यानासी के साथ तुलना करते हैं, लेकिन ये उन सब से भिन्न है। तुलना इसलिए करते हैं कि उनसे ये मिलती जुलती है, लेकिन दोस्तों आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। ये देखो इसकी डालियों पर भी कांटे, इसके पत्तों पर भी कांटे हैं और इसके बीच में से ये सफ़ेद दारी सी होती है, और इसका फूल इस तरीके का होता है दोस्तों, इस पे भी कांटे होते हैं। इस तरह की बूटी होती है ये, पूरे का पूरा पौधा ही अमृत है। इसको सेवन करने का तरीका ये है, इसके पत्तों को या पूरे पंचांग को आप उबाल के पिए, चमड़ी के रोग ठीक होते हैं। इसके बीजों को आप पाउडर करके एक एक ग्राम करके सुबह शाम ले सकते हैं, ये ताकत बढ़ाने के लिए काम करता है दोस्तों। इसको पत्तों को उबाल के पीने से ऊर्जा, पूरे पंचांग को काढ़ा बना के लेने से दमा के रोग, श्वास रोग ठीक होता है। इसकी तासीर उष्ण है और कफ और वात को ये शमन करता है। इसकी जड़ को पीस के नाभि पे लगाने से या गुप्त अंगों में लेप करने से बच्चे का जो डिलीवरी है बहुत आसानी से हो जाती है। मैंने कभी इसका अनुभव तो नहीं लिया, लेकिन पुरातन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। मैंने इसको चमड़ी रोगों पे और मर्दाना रोगों में बहुत ही लाभकारी पाया है। बहुत से नुस्खों में मैं इसका प्रयोग करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसका घरेलू उपयोग बताता हूँ, जो कि इसका आप मर्दाना कमजोरी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जड़ का चूर्ण लेना है आपने 50 ग्राम, कौंच बीज शुद्ध लेने हैं आपने 50 ग्राम, और गोखरू का चूर्ण आपने लेना है 50 ग्राम, अश्वगंधा आपने लेना है 50 ग्राम, मुलठी आपने लेनी है 50 ग्राम, गिलोय का सत्व आपने लेना है 50 ग्राम। सबको एक जान कर लेना है और सबके संवाद आपने मिश्री मिला के रख लेनी है।
सुबह शाम दूध के साथ आपने सेवन करना है। मर्दाना कमज़ोरी को ये जड़ से उखाड़ फेंकता है। मैं जो योग तैयार करता हूँ इसका, उसमें हम इसकी जड़ का एक्सट्रैक्ट यूज़ करते हैं, कौंच की जड़ का एक्सट्रैक्ट यूज़ करते हैं, उसमें हम गोखरू का एक्सट्रैक्ट यूज़ करते हैं, गिलोय का सत्व यूज़ करते हैं, स्वर्ण भस्म का इस्तेमाल करते हैं, सिद्ध मकरता वज हम इसमें डालते हैं, मोती पिष्टी डालते हैं। मोती और गिलोय डालने से क्या होता है कि जो दवाई की उष्णता है वो कम हो जाती है, उसको गर्मी वाला भी सेवन कर सकता है। हर जड़ी बूटी की अपनी तासीर होती है, इसकी तासीर गर्म होती है, इसकी गर्मी को कम करने के लिए मोती पिष्टी डाली जाती है। आप इसको हर मौसम में सेवन कर सकते हैं, गर्मियां सर्दियों में तो हर तासीर वाला इसको सेवन कर सकता है। हम क्या करते हैं, सभी जड़ी बूटियों का एक्सट्रैक्ट निकाल के मोती पिष्टी, गिलोय सत्व, प्रवाल पिष्टी, भंग भस्म, ये सब मिला के, स्वर्ण भस्म, हीरा भस्म मिला के गोलियाँ बनाते हैं ताकि किसी को खाने में या लेने में कोई दिक्कत ना आए। और हम उस दवाई का 2 महीने सेवन करवाते हैं, मर्दाना ताकत तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, शुक्राणु बढ़ जाते हैं, टाइमिंग के लिए बहुत अच्छा काम करती है, शुक्राणुओं को बहुत पावरफुल बनाती है, तो मर्दों में बहुत सी जान डालती है। आप इसका इस्तेमाल करने के लिए हमसे मंगवा सकते हैं। और एक प्रयोग इसका मैं और बताता हूँ, इसकी जड़ 10 ग्राम, सफ़ेद गुगची 10 ग्राम, अश्वगंधा 10 ग्राम और शतावर 10 ग्राम, सबको कूट पीस के रख लो। उसमें से 1 चम्मच पाउडर आपने सुबह दूध में उबाल के पीना है और 1 चम्मच पाउडर रात को दूध के साथ उबाल के सेवन करना है। इससे आपकी मर्दाना कमज़ोरी बिल्कुल ठीक होगी। अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब की बार इतनी नॉलेज आप अपनी कॉपी में लिखें, इसको संभाल के रखें, लोगों के साथ शेयर करें अगर आपको अच्छी लगती है, ताकि हम और ऐसी वीडियो आपके लिए बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।